चिल्ड्रंस डे का मौका है और आज हमारे साथ है छोटे पर्दे के कुछ बड़े बच्चे जिनके दिलों में आज भी उनका बचपन जिंदा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सीरियल मुस्कान की मुस्कान से, जिन्होंने अपने बचपन की कुछ यादें हमारे साथ शेयर की। बचपन में तो बहुत बहुत ज्यादा शैतान थी मैं, अभी भी हूँ, पर तब बहुत ज्यादा जिद्दी वाली बच्ची थी, एकदम पैम्पर्ड और नॉट स्पॉइल्ड बट बहुत ज्यादा पैम्पर्ड वाली चाइल्ड। और मैं बस अपनी ही जिद के हिसाब से काम करती थी, प्रिंसेस वाली फीलिंग आती थी मुझे, और बस मैं जो कहूँ दैट इज द ऑर्डर, ऑल हेल, ऐसे सब था बचपन में, मतलब फील। और मुझे फील करवाते भी थे लोग, मेरी कोई गलती नहीं है, अब फील ऐसा करवाओगे तो मैं करूंगी ना, तो यस, ऐसे पैम्पर्ड चाइल्डहुड था मेरा। वैसे मुस्कान अभी भी बच्ची ही है और उन्हें बच्चों की राइम्स अभी तक याद है, आप भी सुनिए। I'm gonna sing Old MacDonald, okay? Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. In his farm he had a cow, E-I-E-I-O. With the moo moo here, with the moo moo there, here moo there moo everywhere moo moo. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown and Jill came tumbling after. मुस्कान के बाद हम पहुंचे जीजी माँ की स्टार कास्ट के पास। आपको बता दें कि ये सभी आपको बड़े नजर आ रहे होंगे, लेकिन ये शैतानी करने में बच्चों से कम नहीं है। चलिए सबसे पहले सुयश फाल्गुनी, नियति और प्याली से उनके बचपन की कोई यादगार बात जानते हैं। स्कूल मेमोरीज हमेशा रहती हैं, वो सबसे ज्यादा। हाँ, और शाम को क्या कहते हैं, सबके साथ खेलना, जो आस पड़ोस के बच्चे होते हैं, और ऊंच नीच का पापड़ा, फिर पकड़न पकड़ाई, छुपन छुपाई, सब ये बचपन की मेमोरीज है, बचपन के सारी ये है मेमोरीज। यही है कि जब छोटे थे तो स्कूल में बहुत बंक मारते थे, और बंक करके छोटे बच्चे स्कूल में बंक कहाँ मारते हैं, बड़े होने के बाद मारते हैं। स्कूल में तो मारते हैं ना, तो टेंथ के बाद या टेंथ में बच्चे ही होते ना, स्कूल में तो बच्चे ही होते ना, और जो गेम्स खेलते थे, और फिर जो घर का जो गली क्रिकेट होता था वो सबसे बेस्ट होता था, और कबड्डी, तो वो सब मेमोरीज हैं। इतना ही नहीं, बचपन के बारे में बात करते करते सभी ने गेम भी खेलना शुरू कर दिया। तो लीजिए, पोशंपा की जेल की कैदी बन गई है प्याली, तो इन्हें क्या सजा दी जाए? तो ये जेल में आ गई है और जेल में सजा मिलने वाली है, तो सब कैदियों को मिलती है, तो आई थिंक इनकी सजा होनी चाहिए कि ये गाना गाएं। गाना गाएं। तो प्लीज ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए 3 2 1 गो। आज आज चिल्ड्रंस डे है ना, तो मैं पोएम सुनाऊंगी। सुनाओ। ठीक है। कागज के टुकड़े, कागज के टुकड़े बिखरे है जमीन पे, बिखरे है जमीन पे कमरे। हाँ, आगे आगे। भाई प्याली की पोएम ने तो सभी के चेहरे पर मुस्कान ला दी। अब चलते हैं नजर की स्टार कास्ट के पास, जहां पिया के साथ पिया के बाबा और अंश भी मौजूद हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े यानी पिया के बाबा से, जिनकी बचपन की याद सचमुच बाकी सभी से थोड़ी हटकर है। चिल्ड्रंस डे सबसे अच्छी मेमोरी मेरी रही है बचपन में, क्योंकि अभी दिवाली भी गई है। आई रिमेम्बर मैंने शुरुआत की थी पटाखे चलाने की, और पहली बार मैंने वो बम जलाने का, हम लोग कागज लगाते थे ताकि थोड़ा सा वक्त लगे और फिर जाए, तो मैं बड़ा बाकी, क्योंकि वहाँ पे काफी सारे बड़े बच्चे थे, तो उन्हें तो बी पार्ट ऑफ द गैंग, क्योंकि छोटे जब होते हैं यू ऑलवेज वॉन्ट टू बी लाइक द बिगर चलर, तो मैंने कहा मैं ऐसे ही चला लूंगा। मैंने उसको डायरेक्टली जलाया और मेरे मुंह पर फट गया था वो, तो नहीं इतना भी खराब नहीं है, क्योंकि उस वजह से आधे घंटे का मेरा ब्लैकआउट तो हुआ था, लेकिन उसके बाद जो 6 दिन तक मेरी जो पैम्परिंग हुई थी घर पर, वो मुझे उस वजह से ये ज्यादा याद है। वैसे आपको बता दें कि पिया बचपन से ही काफी एक्टिव रही हैं, खेल कूद में उनका हमेशा से पूरा मन रहा है। मेरा स्कूल डेज बहुत ही मस्तीदार रहा है, इन द सेंस कि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती थी, तो आई डोंट रिमेम्बर कि मुझे कभी भी ऐसा स्ट्रेस था कि अरे मुझे पढ़ाई भी करनी है, मुझे पार्टिसिपेट भी करना है, क्योंकि इट वाज ऑल सो फन। हम लोग एग्जाम्स देते थे और
एग्जाम्स कैसे निकल जाती थी पता नहीं चलता था, और अच्छे परसेंटेजेस पे आ जाते थे, आई डोंट नो व्हाई, बट हाँ आ जाते थे अच्छे परसेंटेजेस, तो इट वाज अ लॉट ऑफ फन. आई डोंट नो अभी के बच्चे ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, बट आई हैव हैड अ लॉट ऑफ फन इन माय स्कूल डेज. अब जरा अंश से भी तो सुनिए कि वो चिल्ड्रंस डे के मौके पर क्यों स्कूल जाया करते थे. एक्चुअली चिल्ड्रंस डे पर हमारी स्कूल में ना, मैं आई स्टडीड इन गुजरात, सो वहाँ पर एक बड़ा सा फंक्शन होता था जहाँ पे बच्चों को बुलाकर एक कल्चरल प्रोग्राम होता था, फिर एक स्पोर्ट की एक गेम होती थी, एक क्रिकेट गेम हुआ करती थी. बट वो सब तो ठीक है, मैं जाता इसलिए था क्योंकि चिल्ड्रंस डे पर बिस्किट्स मिलते थे तो वो सब कल्चरल एक्टिविटीज वगैरह तो ठीक है. सो आई यूज टू गो टू स्पेशली गेट दोज बिस्किट्स, क्योंकि उसमें क्रीम वाले बिस्किट्स देते थे उस पर्टिकुलर दिन को ही हमें. सो बिस्किट्स के दोस्तों को तो लिए लिए, फिर बाकी सबके भी मैं छुपा लेता था और घर पे जाके बहुत सारी बिस्किट्स खाता था. जाते जाते सभी ने अपने फैंस के लिए गाया गाना और सभी को दी चिल्ड्रंस डे की विशेस. मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी. हैप्पी चिल्ड्रंस डे. वेल, हम भी यही कहेंगे कि आप भी अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखें और ढेर सारी मस्ती करते रहें. यूमी और टीवी की तरफ से आप सभी को हैप्पी चिल्ड्रंस डे. मुंबई से अपर्णा द्विवेदी की रिपोर्ट, E24.